العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم बाबलमी सलम का बयान असलम जाइज़ुलफ़िलमकलाती कल वलमादूदात वल तफ़ावतलज़ी वल वलमजरूआती सलम जायज़ है कैली वज़नी और ऐसी अददी चीज़ों में जिनके अफराद में तफ़ावत नहीं होता जैसे अखरोट और अंडे और गज़ से नापी जाने वाली चीज़ों में वला यजूज़ुलसलम फ़िल हैवानी वला फ़ि अतराफ़ी ही वला फ़िल जुलूद अद और जायज़ नहीं है जानवर में और ना ही उसके अतराफ़ में और ना खाल में अदद के अतबार से वला फ़िलबी हज़मन वला फ़िर रुतबती जुर्ज़न और अकदलम जायज़ नहीं है लकड़ियों में गठर के अतबार से और न सब्ज़ियों में गड्ढी के अतबार से

ولا يصح السلم عند أبي رحمه الله تعالى इंद بسبع شرائط تذكر في العقد. और सलम सही नहीं इमाम आजम अबू हनीफ़ा रहामतल के नज़दीक, मगर सात शर्तों के साथ जिनका तस्करा अकद में किया जा चुका हो जिन्स मालूम जिन्स मालूम हो व नोम मालूम और नो मालूम हो वफ़तम मालूमत और सिफत मालूम हो वह मकदारूम और मकदार मालूम हो वजलूम और मद्दत मालूम हो वारफत मक़दारी रदमा तक़दा मकदारी ही और रसुलमाल की मकदार मालूम हो जब अकद मतलक हो उसके मकदार पर कलमकलीमौजूनी वमादूदी जैसे कि कैली वज़नी और अददी शय व तस्मियतुलमकानलदी व फ़ी ही फ़ी ही इदा कैन लहु हमलून और उस जगह का बयान और उस जगह को बयान करना जहाँ मुस्लम फ़ी यानी मबी को हवाले करेगा जबकि उसमें बारबरदारी और ख़र्च हो वक़ाला अबू यूसुफ़ व महम्मन रही महिला तह तैजा तस्मियत सलमली कैन हज़रा साहिबिन रही फ़रमाते हैं रसलमाल को बयान करने की ज़रूरत नहीं है जबकि वो मुतन हो वला मकानी तस्लीमी और हवाले करने की जगह को भी बयान करने की हाजत नहीं है वसली महूफी मऊद अलअदी मुसलम यानी बाए मुस्लम फ़ी यानी मबी को अकद की जगह पर हवाले करेगा वला यसलम यकबी और असलमल कबलफ़ार कहू और अकदलम सही नहीं है रसुलमाल पर कब्जा यहाँ तक के इले यानी बाए माल पर कब्ज़ा कर ले जुदा होने से पहले अजीज तलबा इस मतन के तहत सबसे पहली बहस इबारत की वजाहत है दूसरी बहस सलम की तारीफ़ व शराइत है तीसरी बहस मतन पर चार जदीद मसाइल का इतबाक़ मा वजह इतबाक़ है इबारत की वजाहत से पहले सलम में इस्तेमाल होने वाली और अकद सलम की तारीफ़ का जानना ज़रूरी है चुनानच अदलम में चार असलाहत इस्तेमाल होती हैं नंबर एक मुसलम इले बाए को कहते हैं नंबर दो रब्बलम मुश्तरी को कहते हैं नंबर तीन मुसलम फी मबी को कहते हैं नंबर चार रसुलमाल समन को कहा जाता है अकद की तारीफ़ में फकह ये फरमाते हैं कि अकद सलम उस अकद को कहा जाता है जिसमें समन की अदायगी नकद हो और मबी उधार हो जिसकी सूरत यह है कि मसलन एक शख्स को 500 किलो गंदम की ज़रूरत है अब वो किसान से मामला करता है कि मुझे छः महीने के बाद 500 किलो गंदम चाहिए और मामला अभी कर लो हाल ये है कि किसान के पास 500 किलो गंदम अभी मौजूद नहीं है वो कहीं से हासिल करेगा या खेती करके जब उस गंदम को हासिल कर लेगा तब छः महीने के बाद उस गंदम को हवाले करेगा तो आप देख रहे हैं इस सूरत में कि बाए मुस्लम इले वो रसुलमाल 500 किलो गंदुम का जो समन है वो मजलिस अकद में ले लेता है तो समन तो नकद हुआ अलबत् मबी उधार हुई इसलिए कि मबी की हवालगी छः महीने के बाद होगी अकद खिलाफ क्यास है क्योंकि शरीय कामूमी जबता यही है कि कब्ज़े से पहले ब जायज़ ना हो इस उसूल के अतबार से बलम कबल कब्ज़ होने की बिना पर शरा नाजाइज़ होनी चाहिए लेकिन शरीयत ने ज़रूरत व हाजात नास की बिना पर मखसूस शराइत के साथ इसे जायज़ करार दिया है अज़ीज़ तलबा जब अहत सलम और तारीफ़ सलम आपने जान लिया तो अब मुसनफ़ अर रहमा ये बयान कर रहे हैं कि अकद सलम किन किन चीज़ों में जायज़ है और किन किन चीज़ों में जायज़ नहीं है याद रखें अकद सलम ऐसी चीज़ों में ही हो सकती है जिसकी मकदार और सिफात की तयन की जा सकती हो और बलम के वक्त उन अशिया की जिन्स, सिफात और मकदार इस तौर पर मुतन करना ज़रूरी है कि अदायगी के वक्त फ़रीक़ैन का तनाज़ व झगड़ा ना हो और ऐसी चीज़ें कुल चार हैं नंबर एक कैली, जिसकी मकदार पैमाने से नाप कर मुतन की जाती है जैसे तेल दूध वगैरह नंबर दो वज़नी जिनकी खरीदो ख़रीदोफ़रोख्त वज़न से तोल कर की जाती है जैसे चावल चना वगैरह नंबर तीन ज़रिए जिनकी पैमाइश हाथ या किसी आले मीटर वग़ैरह से की जाती है जैसे कपड़े वगैरह नंबर चार अददी मतकारब जिनकी तयन गिन कर की जाती है और उनके अफराद में तफ़ाउत भी नहीं होता है या तफाउत तो होता है लेकिन बहुत मामूली दर्जे का तफावत होता है जैसे अखरोट अंडे वग़ैरह इसीलिए लिए मुसनफ़ली ने मसला बयान किया कि हैवान और उसके अतराफ़ और उसके खाल में अकद सलम जायज़ नहीं है क्योंकि जानवरों में तफ़ावत कसीरा होता है इसी तरह उनके खालों में भी तफावतः कसीरा होता है कोई खा, खाल छोटी कोई खाल बड़ी और उसके आज़ा में भी सलम जायज़ नहीं है मसलन जानवर के पहिए वग़ैरह में इसलिए कि उसमें भी तफ़ावत कसीरा होता है तो हर ऐसी चीज़ जिनकी तयन और मकदार और सिफात की तयन ना हो सके उन चीजों में सलम जायज नहीं है अब सलम के शराब बयान कर रहे हैं आजम अबू हनीफा सगदनाफा के नजदीक सात शर्तों के साथ सलम सही हो जाता है नंबर एक जिन्स मालूम हो यानी सलम किस जिन्स में किया जा रहा है मसला गंदम, खजूर जौ वगैरह नंबर दो नौ मालूम हो मसलन अगर गंदम में अगदे सलम की जा रही है तो गेहूं की कई किस्में मार्केट में दस्तियाब हैं उनमें से कौन से किस्म का गेहूं है कौन से नौ का गेहूं है लोकवन है एक नव्वत है या शरबती गेहूं है इसकी तयन ज़रूरी है नंबर तीन सिफ़त मालूम हो यानी ये भी तय हो कि उम्दा किस्म के गेहूं हैं या घटिया किस्म के मसलन शरबती गेहूं में अगर अकद सलम की जा रही है तो ये मालूम होना चाहिए कि शरबती गेहूं में कौन सी क्वालिटी का आला क्वालिटी मुतवस्त क्वालिटी या अदना क्वालिटी तो सिफत की भी तयन ज़रूरी है नंबर चार मुस्लम फ़ी यानी मबी की मकदार का भी मालूम होना ज़रूरी है कितने किलो के अंदर अकद सलम की जा रही है पाँच सौ किलो दो सौ किलो इसकी तयन भी ज़रूरी है नंबर पाँच मुद्दत मालूम हो यानी मुस्लिम फ़ी मबी की हवालगी कब होगी ये मुद्दत का भी इल्म होना जरूरी है इसी तरह माल की मकदार का भी इल्म होना जरूरी है कि कितनी मकदार में रब माल समन फराहम कर रहा है नंबर सात मुस्लम फ़ी के हवाले करने की जगह भी मालूम हो कि कौन सी जगह पर मुस्लम मुश्तरी को मुसलम फ़ी मबी हवाले करेगा साथ में मुसनफ़रमा ने यह भी ज़िक्र किया है कि रब मुश्तरी मजलस अकद के अंदर पूरी कीमत अदा कर दे इसलिए कि अगर रबल मुश्तरी ने मजलस अकद में पूरी कीमत अदा नहीं की और मुस्ल बाए ने समन पर कब्ज़ा नहीं किया तो इस सूरत में मबी तो उधार है ही समन भी उधार हो जाएगा और दोनों चीज़ों के उधार होने की शरीयत में मुमानात है इसी तरह रहमा जिक्र कर रहे हैं कि जिस चीज़ की बे हो वो अकद के वक्त से हवालगी के वक्त तक बाज़ार में मौजूद हो अगर वो चीज़ बाजार में दस्तियाब ना हो और वो चीज़ मदूम हो तो उस उस चीज़ के अंदर सलम करना शर्न दुरुस्त नहीं होगा अज़ीज़ तलबा या आप के सामने इबारत की मुकम्मल वजाहत आ गई अब हम मुसनफ़र के मतन पर चार जदीद मसाइल का इतबा मा वजह इंतबा करते हैं सबसे पहला मसला फ़ोर व्हीलर की ख़रीदो फरोख्त में सलम का हुक्म आज कल शोरूम वालों के पास फ़ोर व्हीलर गाड़ियों की ख़रीदो फरोख्त इस तरह होती है कि शोरूम वालों के पास फ़िलहाल मतलूबा गाड़ी मौजूद नहीं होती लोग सौदा तय करके मुकम्मल पैसा दे मतलूबा गाड़ी बुक करवा लेते हैं जैसे ही गाड़ी शोरूम में आती है तो अपनी मतलूबा गाड़ी मुश्तरी हजरात हासिल कर लेते हैं शर्न इस तरह की खरीदारी सलम के तौर पर जायज़ है जिसमें मबी उधार होती है और समन नकद होता है अज़ीज़ तलबा इस असरी मसले को मुसनफ़ रहमत मतन पर करने से पहले एक फ़िकही कायदे का जानना ज़रूरी है ताकि इंतबाक आसान हो जाए और वो ये है कि हुक्म उसी वक्त साबित होगा जब उसके सारे शराइत पाए जाएं। ला यसबुतुलमशरूत अला बी بوجود शर्त जमी ही ज़िक्र करदा कायदे की रोशनी में मालूम हो गया कि फ़ोर व्हीलर में सलम के तौर पर अकद करना शराजाइज है क्योंकि इसमें सलम की सारी शराइत पाई जाती हैं मसलन शोरूम वालों के पास अकद के वक्त गाड़ी मौजूद नहीं होती लेकिन सौदा तय करते वक्त गाड़ी के तमाम औसाफ इस तरह बयान कर दिए जाते हैं कि उसमें कोई जहालत नहीं रह जाती यानी गाड़ी की क्वालिटी साइज़ रंग वगैरह तमाम चीज़ें मुतन हो जाती हैं और समन यानी कीमत पेशगी दे दी जाती है इसलिए फ़ोर व्हीलर में सलम के तौर पर अक्द करना शराज जायज़ होगा क्योंकि कायदा है कि जब किसी शय के शराइ पाए जाएँ तो वो शय भी पाई जाती है दूसरा असरी मसला करेंसी यानी नोटों में सलम का शरा हुक्म अगर कोई शख्स किसी को हिंदुस्तानी करेंसी देकर दो माह बाद अमरीकी डॉलर लेने का मामला सलम के तौर पर करे तो शरान ऐसा मामला करना जायजो दुरुस्त होगा अजीज़ तलबा अकद सलम के सही होने के लिए जो शराइत हमने ज़िक्र की है उन शराइत में से एक शर्त यह भी है कि मुस्ल्फी यानी मबी मिसलियात में से हो, जिनकी चार किस्में हैं मकीली मौजूनी जरी यानी गज के जरिए नापी जाने वाली चीज़ अददी मुतारब यानी ऐसी अददी शय जिसमें तफ़ात कम हो करंसी नोट चूँकि खलकी तौर पर समन नहीं बल्कि समन रफी हैं और रिवाज की वजह से समन की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं इसलिए समन रफी बनने के बाद उसमें कोई कदर ना रही बल्कि अदद के हुक्म में आ चुके हैं इसलिए जैसे दीगर अददी मतकारब अशिया में अकद सलम जायज़ है ऐसे ही करेंसी नोटों में भी अकद सलम शरा जा होगा तीसरा असरी मसला अकद सलम में रसुल माल के तौर पर कम्बियाला यानी बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रामसरी नोट देना कम्बियाला यानी बिल ऑफ़ एक्सचेंज की सबसे पहले हम तारीफ़ कर लेते हैं ताकि मसले का समझना आसान हो जाए इसकी सूरत ये होती है कि ताजिर ने कुछ सामान बेचा और मुश्तरी के नाम एक बिल भेजा कि आप के नाम इतने पैसे वाजिब हो गए मुश्तरी ने उस पर दस्तखत कर दिए कि हाँ मैंने सामान ख़रीदा है और ये रक़म मेरे ज़िम्मे वाजिब हो गई है तो बाए दाइन हो गया और मुश्तरी मदयून हो गया लेकिन साथ ही मुश्तरी उस बिल में ये लिखता है कि मैं ये रकम तीन महीने के बाद अदा करूँगा बाए वो बिल लेकर अपने पास रख लेता है इसको बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं प्रामिसरी नोट की तारीफ ये भी बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह एक दस्तावेज होती है जिसमें किसी मुतन शख्स के लिए मुक्रा तारीख पर मुतना रकम की अदायगी की जिम्मेदारी ली जाती है अकद सलम में रब्बलम यानी मुश्तरी रसुलमाल समन की जगह अगर बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रामसरी नोट अदा करे तो शरान दुरुस्त नहीं है अज़ीज़ तलबा इस असरी मसले को मुसनफ़ रहमत के मतन असलम ला ततफा वतू पर करने से पहले एक फ़िकी कायदे का समझना ज़रूरी है ताकि इंतबाक आसान हो जाए और वो ये है कि जब किसी हुक्म की शर्त फौत हो जाए तो हुक्म भी फौत हो जाया करता है हैदाफात शर्त फ़ातल मशरूत और अकद सलम में मुलम इले समन पर कब्जा करना शर्त है जो बिल ऑफ एक्सचेंज और प्राइमेसरी नोट के जरिए मुमकिन नहीं है क्योंकि इन दोनों पर कब्जा असल रकम पर कब्ज़ा के हुक्म में नहीं है यानी ये दोनों समन है या नहीं बल्कि यानी ये दोनों शरअन समन ही नहीं हैं बल्कि ये महज उ दैन के लिए वसीक़ा व एतमाद की हैसियत रखते हैं और जब ये समन नहीं है तो इनका रासुल माल बनना दुरुस्त नहीं है इसीलिए इनको सलम में यानी कीमत के तौर पर अदा करना दुरुस्त नहीं है वरना समन और मबी दोनों उधार हो जाएंगे और शरीयत में इससे मना किया गया है बस मालूम हुआ कि रसुल माल पर कब्जा वाली शर्त के ना पाए जाने की वजह से हुक्म यानी सेहत सलम भी फौत हो गया अजीज तलबा आखिरी मसला अकद सलम में रसुल माल के तौर पर बैंक का चेक देना चेक एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसका जारी करने वाला अपने बैंक को हुक्म देता है कि वो इस दस्तावेज़ के हामिल को मकर रकम अदा कर दे अगर कोई शख्स अकद सलम में रसुलमाल के तौर पर चेक अदा करे और मुस्लम अले उस चेक पर कब्ज़ा कर ले तो शरा रसुलमाल पर कब्ज़ा तसुर किया जाएगा और अकद सलम शरा जायज़ होगा अजीज़ तलबा इस असरी मसले को मुसनफ़ रहमत के मतन पर करने से पहले एक कायदे का जानना ज़रूरी है ताकि इंतबाक बेगुबार हो जाए और वो ये है कि जब किसी हुक्म से मुतक शर्त पाई जाए तो हुक्म भी पाया जाता है इदा उजीद शर्त उजीदरूत और सलम के दुरुस्त होने के लिए मिनजुमला शरायत में से एक शर्त रसुलमाल पर कब्ज़ा करना है अब सवाल ये है कि अगर कोई शख्स मजलिस अकद में माल के तौर पर चेक दे तो क्या चेक पर कब्ज़ा माल यानी उसमें मजकूर रकम पर कब्ज़ा होगा या नहीं तो इस सिलसिले में मौजूदा दौर के अलामा की राय ये है कि चेक पर कब्ज़ा असले रकम पर कब्ज़ा तस्वूर किया जाएगा बशर्ते के उसमें दो शर्त पाई जाए ये चेक बैंक का हो और द तलब अदायगी का वादा हो नंबर दो बैंक का तस्दीक करदा चेक हो और द तलब अदायगी का वादा हो और आम मतन चेक इन दोनों शर्तों के साथ में ही जारी किए जाते हैं लिहाजा मालूम हुआ कि चेक पर कब्ज़ा रसुल माल पर कब्ज़ा है जो कि सिहत सलम की शर्त है और जब शर्त पाई गई तो हुक्म यानी सेहत सलम भी पाया जाएगा السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله